नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, भूपेश ने कहा किसान आत्महत्या का उठाएंगे मुद्दा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद महंत बोले मजबूत विपक्ष की निभाएंगे भूमिका। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल की बैठक मंगलवार को हुई। नए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के निवास पर हुई बैठक में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कोंटा विधायक प्रवासी लखमा, खरसिया विधायक उमेश पटेल सहित अन्य विधायक मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस के सभी 35 विधायक शामिल हुए हैं। सभी विधायकों का नेता प्रतिपक्ष से परिचय हुआ। इसके बाद शीतकालीन सत्र में विपक्ष की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। सभी विधायकों ने बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष के साथ रात्रि भोज भी किया। विधायक दल की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत ने कहा कि आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में मेरा पहला दिन था। नए विधायकों को पूर्व सदस्यों का भी आशीर्वाद मिला है। हम लोगों ने हार की समीक्षा भी की। सब आश्चर्यचकित हैं कि हार कैसे हुई। सरकार चले जाने का दर्द है, लेकिन मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। शीतकालीन सत्र का 2 दिन और है, इसमें जनहित के मुद्दों को उठाएंगे। बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति बनी है। राज्यपाल के अभिभाषण और अनुपूरक बजट पर विस्तार से चर्चा हुई है। नारायणपुर में किसान आत्महत्या के मामले को भी उठाया जाएगा। राज्यपाल का अभिभाषण किन बिंदुओं को रखा गया है, उस आधार पर भी चर्चा होगी। 2023 विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के पास वैसे तो 35 विधायक हैं, लेकिन इनमें से 14 पहली बार चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। बाकी 21 में आधे से ज्यादा दूसरी बार विधायक बने हैं। ये सभी विधायकों से बतौर नेता प्रतिपक्ष महंत पहली बार एक साथ मिलेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर है, धान खरीदी और बोनस वितरण के संबंध में मुख्य सचिव ने अधिकारियों की ली बैठक। 25 दिसंबर को होगा 2 साल के बकाया बोनस राशि का वितरण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंगलवार को चिप्स कार्यालय में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के परिपालन में राज्य के किसानों के बकाया धान बोनस की राशि के भुगतान की तैयारियों के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों और जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने राज्य में समर्थन मूल्य पर जारी धान खरीदी के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने आगामी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले सुशासन दिवस की तैयारियां और घोषणा पत्र के परिपालन में 2 वर्ष के बकाया धान बोनस राशि वितरण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को विशेष अभियान चलाकर लाभान्वित करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू सहित सभी विभागीय सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही अगली बड़ी खबर है, IASP दयानंद बनाए गए CM सेक्रेटरी, स्वास्थ्य विभाग के सचिव का मिला अतिरिक्त प्रभार, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निजी सचिव P दयानंद को बनाया गया है। दयानंद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उन्हें चिकित्सा शिक्षा सेवा विभाग का अतिरिक्त सचिव की भी जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के डॉक्टर सुभाष सिंह राज सहित 3 अफसरों को OSD नियुक्त किया गया है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद ये पहली नियुक्तियां हैं। इसे लेकर मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। चर्चा है कि अब मंत्रालय से लेकर प्रदेश के बड़े तमाम विभागीय अमलों में अधिकारियों की नियुक्ति जल्द की जाएगी और ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर शुरू होगा। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ अपर मुख्य सचिव IAS सुब्रत साहू, IAS परदेशी सिद्धार्थ कोमन, IAS अंकित आनंद और IAS सोलेई भारती दासन को प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। हालांकि इन अफसरों के पास पहले की तरह बाकी विभागों की जिम्मेदारी रहेगी। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग की मुख्य पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले के छुट्टी पर रहने के दौरान नवंबर में P दयानंद को उनकी जगह जिम्मेदारी दी गई थी। 2006 बैच के अफसर P दयानंद 2018 में भाजपा शासनकाल के दौरान बिलासपुर कलेक्टर भी रह चुके हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, आवासीय विद्यालय में छात्र ने लगाई फांसी, आंदोलन की राह पर उतरी ABVP, सहायक आयुक्त और अधीक्षक को बर्खास्त करने की मांग। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आदिवासी विकास विभाग द्वारा धुरगुड़ा में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय में 9वीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगा ली। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हंगामा शुरू कर दिया है। मामले में सहायक आयुक्त सहित अधीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने काफी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दिया है और धरने में बैठकर उक्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञात हो कि 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र का शव स्कूल के बाथरूम में मिला था। छात्र ने डिप्रेशन के चलते फांसी लगा ली थी, जिसकी सूचना विद्यालय प्रबंधन की तरफ से कोतवाली पुलिस को दी गई थी। पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन अब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सहायक आयुक्त और अधीक्षक के खिलाफ हो हल्ला शुरू कर दिया है और जब तक मामले की जांच पारदर्शिता के साथ नहीं की जाती तब तक मामले को लेकर चुप नहीं बैठने की बात कही है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, नशीली दवाइयों की बिक्री करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पुलिस ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नशीली टैबलेट की बिक्री करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास 6 पैकेट टैबलेट बरामद किया गया है। वहीं आरोपियों से पूछताछ जारी है। मिली जानकारी के अनुसार शहर में हो रही प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री सूचना पुलिस को लगातार मिल रही थी, जिसके बाद मुखबिर की मदद से 3 आरोपियों को विंध्यवासिनी वार्ड समारोह होटल के पास गिरफ्तार किया है। जांच के आरोपियों के पास से 6 पैकेट निरोसम नाइट्राजेपम टैबलेट बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट के खिलाफ कार्यवाही करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, एक और सड़क हादसा। शराब के नशे में धुत ड्राइवर ने बाइक सवार और छात्रा को मारी टक्कर, दोनों का इलाज जारी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के बतौली विस में एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को ठोकर मार दी। शराब के नशे में ट्रक ड्राइवर ने पहले एक थ्रेसर को ठोकर मारी, उसके बाद एक मोटरसाइकिल को घसीटते हुए एक छात्रा को ठोक दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक चालक की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार एक ट्रक रायगढ़ से कोयला लोड कर अंबिकापुर वापस आ रहा था। ट्रक क्रमांक JH11U85-93 के गोपाल रागवाड़े शराब के नशे में धुत था। सेदम मुख्य मार्ग पर उसने पहले एक थ्रेसर को ठोकर मारी, उसके बाद एक मोटरसाइकिल को घसीटते हुए एक छात्रा को ठोक दिया। इस दुर्घटना में दोनों ही बाल बाल बचे, गनीमत रही कि किसी जान नहीं गई। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई और पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बातचीत के दौरान थाना प्रभारी CP तिवारी ने बताया कि ट्रक चालक के खिलाफ धारा 279 और 337 के तहत कार्रवाई की गई है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। घायल लाइनमैन और छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। छात्रा की कोहनी में चोटें आई है, गनीमत रही कि दोनों की जान बच गई। साथ ही अगली बड़ी खबर है, थेथुरा छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में 5 डिग्री, उत्तरी हवाओं से मैदानों में भी कड़ाके की ठंड, पारा 10 डिग्री या नीचे। उत्तर से आने वाली ठंडी हवा ने पूरे छत्तीसगढ़ को चपेट में ले लिया है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैनपाट तथा जशपुर के जंगल पहाड़ों में कुछ जगह तापमान 3 डिग्री के आसपास रहने की सूचना है। अंबिकापुर में रात का तापमान 5 डिग्री तक उतर गया है। मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में रात का पारा 10 डिग्री या नीचे हो गया है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार अगले 2 दिन शुष्क हवा के प्रवाह से ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। 22 दिसंबर को पश्चिम विक्षोभ के असर से भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों में हवा की नमी बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही हवा की दिशा भी बदलेगी। हवा में नमी बढ़ने से न्यूनतम तापमान वृद्धि होगी। 23-24 दिसंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्के बादल छाने से भी रात की ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। 25 दिसंबर के बाद आसमान साफ होगा तो ठंड फिर बढ़ने लगेगी। वहीं बिलासपुर देश के दूसरे बड़े क्रोकोडाइल पार्क कोटमी सोनार में ठंड बढ़ने के साथ ही सुबह बड़ी संख्या में मगरमच्छ टापू पर पहुंचने लगे हैं। यहां 352 मगरमच्छ हैं, जिनमें अधिकांश सुबह से दोपहर तक ही टापू पर आते जाते हैं। कोटमी सोनार को 2006 में क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया, तब यहां 30 मगर थे, जो करीब 16 साल में 10 गुना हो चुके हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर है, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट, सभी जिलों में जांच बढ़ाने के आदेश। पॉजिटिव पाए जाने पर एम्स भेजे जाएंगे सैंपल। कोरोना के नए वेरिएंट ने फिर चिंता बढ़ा दी है। JN1 वेरिएंट को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक अब सभी जिलों में कोविड की जांच को बढ़ाया जाएगा, साथ ही सैंपल रायपुर एम्स भेजे जाएंगे।
जहां ये देखा जाएगा कि कोविड का नया वेरिएंट कहीं प्रदेश में तो पैर नहीं पसार रहा। स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले ने छत्तीसगढ़ के सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी किए हैं। सरकारी आदेश में लिखा गया सी है कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। केरल में नए वेरिएंट के मामले सामने आए हैं, इस वजह से छत्तीसगढ़ में जांच के दायरे को बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी कलेक्टर को आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोविड 19 संक्रमण नियंत्रण में है, लेकिन इसके लगातार बदलते वेरिएंट पर नजर रखना जरूरी है। केरल सहित देश के कुछ राज्यों में कोरोना के केस बढ़े हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में नए वेरिएंट की पहचान नहीं हुई है, लेकिन जिले स्तर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, 14 साल के बच्चे के साथ गंदा काम, बेटे के बर्थडे पर बुलाकर किया अप्राकृतिक कृत्य, बच्चे का इलाज जारी, आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर में एक युवक ने अपने बेटे के साथ बर्थडे मनाने आए 14 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य कर दिया। इस केस में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घायल बालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सीपत थाना क्षेत्र की है। टीआई नरेंद्र चौहान ने बताया कि सीपत क्षेत्र के कृष्ण कुमार गंधर्व उर्फ गोलू 27 वर्ष बोरा फैक्ट्री में काम करता है। साल भर पहले उसका बेटा हुआ था। बीते रविवार को उसका बर्थडे था। उसने जन्मदिन की पार्टी मनाने के लिए मोहल्ले के बच्चों को अपने घर बुलाया था। इस दौरान 14 साल का एक बालक भी उसके घर गया था। बर्थडे पार्टी के दौरान कृष्ण कुमार शराब के नशे में था। पार्टी के बीच पीड़ित बालक अपने घर जाने के लिए निकला, तब कृष्ण कुमार उसे घर छोड़ने के बहाने साथ निकल गया। आरोपी कृष्ण कुमार बच्चे को उसके घर लेकर जाते समय उसे राखड़ डेम की तरफ सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ जबरन अप्राकृतिक कृत्य किया। इस दौरान उसने इस घटना की जानकारी किसी को देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी, फिर बच्चे को उसके घर के पास छोड़ दिया। पीड़ित बालक दर्द से कराहने लगा, तब परेशान होकर उसने इस घटना की जानकारी अपनी माँ को दी। रात करीब 10 बजे उसके पिता काम से लौटा तो बालक की माँ उसे बताया। देर रात वे दोनों बच्चे को लेकर सीपत थाना पहुंचे और घटना की जानकारी दी। पुलिस ने बालक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, फिर शिकायत पर आरोपी कृष्ण कुमार गंधर्व के खिलाफ केस दर्ज कर उसे दबोच लिया। साथ ही अगली बड़ी खबर है, खाद्य निरीक्षक मांगते हैं बियर, देसी मुर्गा और पैसे। विक्रेता संघ ने कलेक्टर से की शिकायत, बोले मानसिक और आर्थिक रूप से करते हैं प्रताड़ित। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में विक्रेता संघ ने खाद्य निरीक्षक हरिशंकर साहू पर मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। संघ के सदस्यों का कहना है कि खाद्य निरीक्षक बिया, देसी मुर्गा और पैसे मांगते हैं। इस मामले को लेकर सुकमा के कलेक्टर से भी शिकायत की गई है। दरअसल दोरनापाल विक्रेता संघ ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य निरीक्षक हरिशंकर साहू उन्हें परेशान कर रहे हैं, बेवजह गाली गलौच करते हैं, जब मन आए तब 5,000-10,000 रुपए वसूल लेते हैं। साथ ही मशीन खराब होने पर विक्रेताओं को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। इसके अलावा निरीक्षण के नाम पर रात 7 से 8 बजे दोरनापाल से जगरगुंडा जाकर रात में 11 से 12 बजे के बीच देसी मुर्गा और बिया मंगवाते हैं, खाना बनाने के लिए कहते हैं। यदि उनकी बात नहीं मानते तो वे गाली गलौच पर उतर जाते हैं। संघ के सदस्यों ने कहा कि इस मामले को लेकर सुकमा कलेक्टर से भी शिकायत की है। इधर इस आरोपों के बाद हमने खाद्य निरीक्षक हरिशंकर साहू से भी उनका पक्ष जानने उन्हें फोन किया, लेकिन उनका फोन नेटवर्क से बाहर बताया। साथ ही अगली बड़ी खबर है, एक शहर में कार के विंडो में हाथ फंसाकर युवक को स्विफ्ट कार भी हुई जबत। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में एक मामूली सी बात पर कुछ युवकों ने एक युवक को कार की विंडो में हाथ फंसाकर उसे 3 किलोमीटर तक घसीटा है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना की सूचना मिलते ही दुर्ग कोतवाली थाना पुलिस तत्काल हरकत में आए और आरोपियों के संबंध में पतासाजी कर रायपुर के 2 आरोपी को धर दबोचा है। आपको बता दें कि कार सवार लोगों के द्वारा छोटी सी बात को लेकर 3 किलोमीटर तक दुर्ग के एक युवक का कार के विंडो में हाथ फंसाकर तेज रफ्तार में कार दौड़ाए। युवक की गलती केवल इतनी थी कि वो बाइक में सवार था, तभी युवक की बाइक को कुछ मिनट पहले कार ने ठोकर मार दी। बाइक सवार युवक ठोकर के बाद जब कार के पीछे उनसे ठोकर के विषय में पूछने आया तो उस कार में सवार युवक ने कार के विंडो में बाइक सवार युवक का हाथ फंसाकर 3 किलोमीटर तक दौड़ा दिया। पुलिस ने कार में सवार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत इस घटना में एक स्विफ्ट कार सवार, जिसकी गाड़ी नंबर CG04NJ5437 था,
उसने पटेल चौक में एक बाइक सवार लड़के को पहले टक्कर मारी। जब बाइक सवार युवक कार में सवार युवकों के पास बात करने गया तो उसके हाथ को कांच में फंसा के उसको लटका कर 3 किलोमीटर दूर तक लटकाए लेकर गए और उसको दीवार से रगड़ कर मार के गिराने की भी कोशिश की। उसके बाद गाड़ी को अमर हाइट सोसाइटी शिवनाथ नदी रोड में ले गए। वहां से उनको भागने का रास्ता नहीं मिला तो दो युवक उतरकर फरार हो गए और बाकी कार में सवार लोगों को दुर्ग कोतवाली के अंतर्गत पटेल चौक में एक बाइक से एक लड़का आ रहा था जिसका एक स्विफ्ट कार के साथ एक्सीडेंट हो गया। तब बाइक चालक जब जाकर स्विफ्ट कार चालक से चर्चा कर रहा था, उससे गाली गलौज करते हुए कार का जो वो था खिड़की था उसको बंद कर दिया गया, जिसमें वो उसका हाथ फंस गया और घसीटते हुए जिला बेमेतरा हाल मुकाम कमल चौक रामेश्वर नगर भनपुरी रायपुर और लोकेश मरकाम 20 वर्ष निवासी ग्राम ताराइम थाना बेरला जिला बेमेतरा हाल मुकाम रायपुर को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने सीएएफ के जवान को कुचला, मौके पर ही जवान की मौत। सिटी कोतवाली कोंडा गांव अंतर्गत नेशनल हाईवे 30 पर लंजोड़ा गांव के पास बुधवार की तड़के सुबह सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में अज्ञात भारी वाहन ने बाइक सवार युवक एवं युवती को अपने चपेट में ले लिया। घटना के तत्काल बाद दोनों घायलों को कोंडा गांव के जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही बाइक चालक युवक की मौत हो चुकी थी। मृत युवक की पहचान प्रारंभिक दृष्टि से जेब में मिले दस्तावेज के अनुसार सीएएफ में पदस्थ जवान के रूप में की गई है। सिटी कोतवाली कोंडा गांव अंतर्गत लंजोड़ा गांव के पास 20 दिसंबर की तड़के सुबह हुई सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अज्ञात भारी वाहन बाइक से जा रहे सीएएफ के हेड कांस्टेबल गुरदीप लंबा और कोंडा गांव की 25 वर्षीय पायल कुलदीप को पीछे से ठोकर मार दी। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि जवान का कमर के नीचे का पूरा हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं गंभीर रूप से घायल पायल कुलदीप को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। यहां उसका प्राथमिक उपचार कर हाई सेंटर रेफर करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल मामले में पुलिस के द्वारा अज्ञात वाहन चालक की तलाश की जा रही है।